Hi friends, how are you doing today? And, uh, क्या आज आपने ट्वेंटी एथ ऑफ ऑगस्ट आएल से एग्जाम दिया है और क्या आप वो स्टूडेंट्स हैं जो देखना चाहते हैं कि आज के एग्जाम में क्या आया या कैसा रहा आज का एग्जाम क्योंकि अपकमिंग डेट्स पे आपका भी आई एस एग्जाम आने वाला है सर्वे कंडक्टेड एंड चार्ट फेयरली ईजी स्टूडेंट्स को आई मैसे पाई चार्ट सबसे ईजी लगते हैं एंडिंग टास्क वॉज अबाउट जनरल इनक्रीज दो चीज़ों में यहाँ पर आई एम नॉट वेरी श्योर कि आपने इस टास्क को कैसे हैंडल किया होगा एक तो है एंटी सोशल बिहेवियर और दूसरा है रेस्पेक्ट आई बिलीव आपने जो भी रीजन दिए होंगे यहाँ पर दोनों चीज़ों को कवर किया होगा क्योंकि अगर दोनों में से एक एस्पेक्ट मिस किया होगा तो दैट वुड बी अ पार्शियल रिस्पॉन्स तो यहाँ पर आई वुड से दो रीज़न दे देते एक एंटी सोशल बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए और दूसरा रिस्पेक्टफुल बिहेवियर को और ऐसे ही कुछ अपने सॉल्यूशंस में लिख देते तो काफ़ी अच्छा रहता है एंड आई बिलीव आपने ऐसा ही किया होगा और इसे अगर कंपेयर करें राइटिंग टास्क टू ऑफ इवनिंग स्लॉट Many people today are choosing to live and work in foreign countries after graduating from their home country. So, I would say that it was very easy. Why is this? And do the pros outweigh the cons? That is, advantages outweigh the disadvantages. तो यहां पर आई होप कि अगर आपने लिखा है तो अपना ओपिनियन जरूर दिया होगा कि आपको क्या लगता है बेनिफिट ज़्यादा ज़्यादा है है या नुकसान है? और मच आपसे ही जुड़ा हुआ है ऐसे क्योंकि आप भी अपने फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाने का प्लान कर रहे हैं लेकिन यहां पर ट्विस्ट यही है कि वो अपनी पढ़ाई अपने होम कंट्री में पूरा कर रहे हैं लेकिन उसके बाद वो मूव कर जाते हैं फॉरेन कंट्रीज बहुत ही रियलिस्टिक सा ऐसे था किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी एंड द अदर वन इज़ द प्रोसेस जो कि काफ़ी आजकल पॉपुलर हैं हम रूटीन में इनको कर रहे हैं क्लासरूम में भी और यहाँ पर कॉमर्शियल ऑरेंज जूस प्रोडक्शन की बात हुई थी टास्क वन में एंड सिंपल से फॉलो करने थे स्टेप आपको और स्टेप बाय स्टेप स्टेज वाइज आपको बताना था कि ये प्रोडक्शन एक मानोफैक्चरिंग प्लांट जहाँ पर फूड प्रोसेसिंग प्लांट है वहाँ पर ये जूस कैसे प्रपेयर होता है टू बी सोल्ड टू दी एंड यूजर्स तो राइटिंग के साथ साथ अगर मैं रीडिंग की बात करूं तो बाइसिकल्स पर बिज़नेस एंड आर्ट रिलेटेड रीडिंग पैसेजेस थे एंड uh, अगर आपको लगा कि इवनिंग स्लॉट की रीडिंग मुश्किल थी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आइए देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को लगता है इन द कमेंट सेक्शन के मॉर्निंग स्लॉट इजी था और कितने स्टूडेंट्स को लगता है कि इवनिंग स्लॉट इजी था अगर ये दोनों ही एग्ज़ाम डिफिकल्ट थे तो कौन सा डिफ़िकल्ट था आप कमेंट सेक्शन में बताइए और आप भी अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा कि यह सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि अगर यही आपका एग्जाम होता तो आपके लिए इजी होता या डिफिकल्ट होता कंटिन्यू टू वॉच माय यूट्यूब चैनल जल्दी मैं आपके साथ एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा एंसर ऑफ द रीडिंग एंड द लिसनिंग टेस्ट एंड देन यू कैन कंपेयर योर वर्क एज वेल स्टेट यून विद ईच अदर टिल एग्जाम रिजल्ट सो दैट यू गेट टू नो दैट आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स ने कैसा परफॉर्म किया इस एग्जाम में स्पीकिंग बूस्टर एक बार मैं फिर से याद दिलवा दूँ आपने तो एग्जाम दे दिया लेकिन अभी आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो सेप्टेम्बर में एग्जाम देने जा रहे हैं स्पीकिंग बूस्टर उनको रिकमेंड डेफिनेटली कीजिएगा ओनली वन नाइन नाइन पर है सेप्टेम्बर अपडेट्स उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे और ये मौका गंवाने के लिए नहीं है क्योंकि थर्टी फर्स्ट तक ही हमारा ये ऑफर वैलिड है और ये तो आपको पता ही है कि स्पीकिंग बूस्टर को बाय करना दुनिया का सबसे इजी काम है लेस देन थर्टी सेकेंड आप बाय कर सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट परचेज लिंक मिल जाएगा उस पर क्लिक कीजिए एंड पेमेंट कीजिए दैट्स इट थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी फॉर फॉर नाउ